गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल. दिस इज रिया हेयर एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल डाउन बिलो. तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ विंटर वेयर हॉल वीडियो और इसका मार्केट एक्सप्लोर वाला वीडियो मैंने पहले डाल दिया है. अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, यू कैन चेक इट आउट. और इट्स गोना बी अ ह्यूज हॉल क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टफ बाय किया है मार्केट से. और अगर आपको देखना है कि मैंने मार्केट से क्या क्या बाय किया है और कितने प्राइस में बाय किया है, बने रहिए वीडियो के एंड तक. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द वीडियो. तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैंने मार्केट से बाय किया है, इट्स अ हुडी कार्डिगन. मतलब ये हुडी नहीं है, मतलब हुडी तो है पर ये जो इसका मटेरियल है वो स्वेटर वाला मटेरियल है और काफी ज्यादा स्टाइलिश ये है. कुछ इस तरीके का जिपर मिला है आगे और आगे दो फ्रंट में पॉकेट है और इस तरीके की स्लीव्स है. काफी थिक मटेरियल है और क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है. कुछ इस तरीके का है ये और पहनने के बाद बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक दे रहा है. और ये मैंने थरी से बाय किया है जस्ट फॉर ₹200. जो थरीज वगैरह होती है वो जरूर चेक करना, वहां पर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग कलेक्शन मिल सकता है आपको. तो ये तो था मेरा फर्स्ट परचेज. वेयर करने के बाद भी ये काफी अच्छा कोरियन लुक दे रहा है और आप भी कुछ इस तरीके का स्टाइल कर सकते हैं विंटर वेयर में. काफी कूल भी लग रहा है और काफी अच्छा भी लग रहा है. एट द सेम टाइम ये हमको वार्म भी रखता है, तो आप भी कुछ ऐसा स्टाइल कर सकते हैं इस विंटर्स में. तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट परचेज में, जो कि है कुछ नियॉन ग्रीन कलर का इस तरीके का. ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल क्रॉप स्वेटर मेरे को मिला था थरी से, मैंने वीडियो में भी दिखाया था तो आप देख सकते हैं. और इसमें कुछ इस तरीके के बीड्स वगैरह लगे हुए हैं. काफी ज्यादा अच्छा और पार्टी वेयर ये लग रहा है. ये पहले तो था नहीं, ये अभी मैंने ही लगा दिया है, बट इट्स वॉशेबल, चला जाएगा ये क्योंकि पहले नहीं था ये, अभी मैंने ही पता नहीं कहाँ से इसको लगा दिया है. एंड इट सेज दैट इट्स मेड इन कोरिया, तो आप इसको पहन के कोरियन वाइब दे सकते हो और काफी ज्यादा अच्छा है. और ये भी मैंने थरी से बाय किया है, मैंने वीडियो में भी दिखाया था इसको और बहुत ही ज्यादा क्यूट सा लुक देता है ये स्वेटर पहनने के बाद. और ये मैंने बाय किया था जस्ट फॉर ₹200 में. क्वालिटी इसकी काफी ज्यादा अमेजिंग है और कुछ इस तरीके का है. बाकी मैंने इसका ट्राई ऑन भी डाल दिया है तो आप देख सकते हैं उसमें. वेयर करने के बाद काफ़ी ज़्यादा गर्लिश और क्यूट लुक ये दे रहा है. और ये वाला कार्डिगन वगैरह तो आजकल बहुत ट्रेंड में है, कोरियन ट्रेंड में बहुत ही ज़्यादा ये चलते हैं, तो आप भी कुछ ऐसे तरीके का चेकआउट कर सकते हैं. तो उसके बाद मेरा नेक्स्ट परचेज है ये ग्रे कलर का चंकी निटेड स्वेटर. और ये कुछ इस तरीके का है. और ये जो मैंने आपको लेन दिखाई थी, जो मैंने बोला था कि हमारा दूसरा सरोजनी नगर है, वहीं से मैंने बाय किया है. और वो भैया इसको सेल कर रहे थे 150 में, मतलब दो सेल कर रहे थे वो, तो मेरे को एक ही पसंद आया तो मैंने ये बाय किया है जस्ट फॉर ₹75 में. और इसमें भी लिखा है मेड इन कोरिया, तो सारे कोरियन स्टाइल के यहाँ पर आ रहे हैं. और अगर आप मार्केट से कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बाय करते हैं तो मेक श्योर कि आप इसको पहले वॉश कर लो पहनने से पहले. और ये कुछ इस तरीके की इसकी स्लीव्स है और पूरा चंकी निटेड कार्डिगन है. और ₹75 में इट्स अ स्टील डील. काफी हैवी है और पूरा चंकी निटेड कार्डिगन है ये. और ऐसा अगर हम ऑनलाइन बाय करते हैं तो वो ऑब्वियस रीजन से बहुत ही ज्यादा महंगा आता है, बट ये मेरे को कुछ इस तरीके का मिल गया है. तो अब हमारा नेक्स्ट परचेज है ये निटेड प्लाजोज, जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है कोरियन स्टाइल में, बहुत ही ज्यादा ये ट्रेंडिंग है. और ये मैंने ब्लैक कलर का बाय किया है, निटेड, पूरा निटेड है ये और इस तरीके का वाइड लेग प्लाजो है. ये वेयर करने के बाद बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक देता है, तो आप इसको जरूर बाय कर सकते हैं. और इसको मैंने बाय किया था जस्ट फॉर ₹230. वो इसको ₹300 कोट करे थे, बट आफ्टर बार्गेनिंग उन्होंने ₹230 में दे दिया था,
काफी अमेजिंग है इसकी क्वालिटी और पहनने के बाद भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक दे रहा है। और इस विंटर में आपको कुछ इस तरीके के प्लाजोज में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश भी लगता है और पहनने के बाद बहुत ही अच्छा एलिगेंट लुक भी देता है, तो आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। ये मैंने एक ब्लैक में बाय किया है और एक मैंने ये व्हाइट में भी बाय किया है, और ये व्हाइट वाला मैंने बाय किया था फॉर ₹250। और ये कुछ इस तरीके का पूरा निटेड है, क्वालिटी इसकी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और पहनने के बाद भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक देता है। आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने इसका ट्राई ऑन भी इंसर्ट कर दिया है। आई विल हाईली रिकमेंड यू टू इन्वेस्ट इन दीज टू प्लाजोज इन दिस विंटर, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश भी लगता है और वार्म भी रखता है हमको, और इसको वेयर करने के बाद एक अलग सा ही लुक आता है, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दीज प्लाजोज। तो अब हमारा नेक्स्ट परचेज है ये ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन कलर का कार्डिगन। ये मैंने वीडियो में भी दिखाया था आप लोगों को, और इस कार्डिगन को भैया पहले कोट कर रहे थे ₹400, बट बार्गेन करने के बाद उन्होंने मेरे को ये 200 में दे दिया था। और ये कुछ इस तरीके का इसमें शिमर भी दे रखा है, काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है ये, और पूरा लॉन्ग कार्डिगन है, प्लस इसमें यहाँ पर पॉकेट्स भी है विच इज अ प्लस पॉइंट, और लुक भी बहुत ही ज्यादा ऑसम लुक ये दे रहा है। और ये वाला पेरिस से आया है, ऑल द वे फ्रॉम पेरिस, तो पूरा लॉन्ग है ये और लॉन्ग कोट का वाइब भी देता है और पहनने के बाद भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। ये कार्डिगन श्रग वेयर करने के बाद बहुत ही ज्यादा रिच लुक दे रहा है, और जब मैंने इसको बेल्ट के साथ स्टाइल किया तो ये और भी ज्यादा बहुत ही ज्यादा एलिगेंट लुक दे रहा है, तो आप इस तरीके के कुछ श्रग्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट परचेज में, जो कि है ये एक ब्लैक कलर की बॉम्बर जैकेट। ये जो मैं आपको सरोजनी नगर वाली लेन मैंने बताई थी, वहीं से ही मैंने इसको बाय किया है। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग क्वालिटी में है ये, और पकड़ने में भी काफी ज्यादा हैवी है, और पहनने के बाद भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक दे रहा है। इसकी जिप की क्वालिटी वगैरह सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और ये मैंने बाय किया था जस्ट फॉर ₹100। इट इज अगेन अ स्टील डील, क्योंकि ₹100 में इतनी अच्छी क्वालिटी की बॉम्बर जैकेट अगर मिल रही है तो इट इज अ स्टील डील। और आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको भी कुछ ऐसे लेना है, वहां पर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग कलेक्शन आती है। और आई विल सजेस्ट यू कि आप संडे में जाना, संडे में वो ज्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मतलब सेल वगैरह लगा के रखते हैं, तो आप अगर संडे में जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का 100 में मिल सकता है। तो अब हमारा नेक्स्ट परचेज है ये कट स्लीव्स कोट। ये भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, आप लोगों ने देखा होगा, और ये मैंने बाय किया है जस्ट फॉर ₹150। मैं पहले गई थी फ्राइडे वाले दिन, और उसके बाद मैं संडे में दोबारा गई थी, तो जब मैं फ्राइडे में गई थी तब ये ₹200 में लगा हुआ था, बट जब मैं संडे में गई थी तो संडे में सेल में उन्होंने इसको ₹150 में लगाया हुआ था, तो मैंने इसको बाय कर लिया था फिर। और ये कुछ इस तरीके का है, पहनने के बाद बहुत ही ज्यादा ऑसम लुक देता है। इसके आगे दो पॉकेट्स भी हैं, और कुछ इस तरीके से थ्रेड से वर्क हो रखा है, पीछे भी ऐसा होता है, और पहनने के बाद बहुत ही ज्यादा एलिगेंट लुक दे रहा है। और 150 में भी, 150 में इतना अच्छा कोट मिलना, तो इट्स अ स्टील डील।
तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट परचेज में, और जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये पूरा स्टार परचेज होने वाला है इस हॉल का, और मेरा वन ऑफ द फेवरेट परचेज भी है। ये है एक लॉन्ग ट्रेंच कोट जो कि मैंने ऑफ व्हाइट कलर में बाय किया है, कुछ इस तरीके का है। वीडियो में आपको अच्छे से मालूम पड़ेगा, क्वालिटी इसकी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, कुछ इस तरीके का है। बेल्ट भी इसमें प्रोवाइडेड है, बिल्कुल न्यू पीस है ये, बिल्कुल ब्रांड न्यू पीस है। और ये वो भैया ने लगा रखा था थरी में, ₹300 वाली थरी में, बट मैंने इसको वेयर करके देखा था। आप चेकआउट मतलब मेक श्योर करना आप कि अगर आप वहां पर जाते हो तो आप इसको प्रॉपरली वेयर करके देखो, और कहीं से देखो कि कहीं से फटा हुआ तो नहीं है। तो जब मैंने इसको पहना था तो मैंने इसके पॉकेट्स में ऐसे हाथ डाले तो इसका पॉकेट यहाँ से ऐसा हल्का सा सिलाई उधड़ा हुआ था, तो मैंने भैया को बोला, तो भैया ने बोला कि मैं इसको सिलवा देता हूँ। बट जब भैया टेलर के पास गए तो टेलर नहीं था, तो उन्होंने मुझे मतलब फिर मैंने उनको बोला कि ये सिला हुआ मतलब यहाँ से फटा हुआ है, तो उन्होंने फिर 250 में ये मेरे को दे दिया था। और 250 में इतना अच्छा कोट, इट्स अ स्टील डील। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट परचेज में, जो कि है ये एक ह्यूज चंकी जैकेट, और इसकी क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू पीस था एकदम, कहीं से भी ये ऐसा नहीं है कि डिफेक्टेड हो, और इसमें पूरी अच्छे से शाइन भी है। और ये मैंने बाय किया है जस्ट फॉर ₹400 में, 400 से कम वो नहीं कर रहे थे क्योंकि इसकी क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, तो मैंने ज्यादा बार्गेन नहीं किया और ले लिया। बिल्कुल भी आपको इसमें ठंडी नहीं लगेगी, और इसमें आगे दो पॉकेट्स भी है, और बाकी आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये पहनने के बाद कैसा लग रहा है। तो एट लास्ट मैंने बाय किए हैं ये दो मफलर्स। सबसे पहले मैं बात करती हूँ ये पिंक कलर का, ये ब्राइट पिंक कलर का, ब्राइट नियॉन पिंक कलर का मफलर है जो कि मैंने बाय किया है जस्ट फॉर ₹50 में, और इसकी क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और पहनने के बाद भी एक आउटफिट में ये पॉप अप कलर ऐड कर सकता है, तो आप ऐसे मफलर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ₹50 में तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसके नीचे कुछ इस तरीके के टैसल्स दिए गए हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू है ये। और जो सेकंड मफलर मैंने बाय किया है वो है इस तरीके के ब्लैक एंड वाइट कलर में, और ये वाला मैंने बाय किया था फॉर ₹75, और 75 में भी ये कुछ बुरा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, इसकी क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप एक बार मार्केट में चेकआउट कर सकते हो, और बाकी तो लक की बात होती है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं दोबारा से ₹1000 चैलेंज मार्केट में करूं जाके, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स डाउन बिलो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाय।